रहमानरहीम। अस्सलाम वालेकुम सब व्यूअर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में सब खैरियत से होंगे। अब नाज़ किचन में आप सबका वेलकम करती हूँ। और आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। और इनमें जो इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, एक कप मटर मैंने लिए हैं और दो आलू मैंने लिए हैं, इसको भी काट लिए हैं। इसके अलावा टमाटर दो लिए थे वो भी काट लिए हैं, प्याज दो अदद लिए हैं वो भी काट के मैंने रखे हैं। इसके अलावा ग्रीन चिली, कोरिएंडर लीफ, अदरक, लहसुन, जिंजर गार्लिक का जो है ये एक टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया, गार्लिक के मैंने 5 से 6 जवे लिए। इसके अलावा ये 3 पाव मेरे पास चिकन है, ये भी मैंने वॉश करके मैंने रखा है 3 पाव चिकन। इसके अलावा 1 kg इसमें राइस जाएंगे, ये मैंने धो के अच्छी तरह इसको मैंने वॉश करके और भिगो के मैंने रख दिए हैं 15 मिनट्स के लिए। इसके अलावा व्यूअर्स, ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है और क्रश चिली इसमें मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसके अलावा कोरिएंडर पाउडर जो है, पिसा हुआ धनिया है, वो हमने 1 टेबल स्पून लिया है और साबुत गर्म मसाले कुछ लिए हैं हमने। और इसके अलावा पिसा हुआ गर्म मसाला 1 टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर। और पिसे हुए धनिया के साथ बहुत अच्छा पुलाव का टेस्ट आता है। और साबुत गर्म मसाले हमने जो लिए हैं, इसमें सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, मोटी इलायची वगैरह जो बड़ी इलायची होती है वो हमने ली है। ये इंग्रेडिएंट हैं हमारे चिकन वेजिटेबल पुलाव के। जी व्यूअर्स, ये मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल में 2 प्याज मैंने कट करके इसमें डाल दिए और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया।